क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? क्या रिक्रिएट होगा मिस्टर इंडिया का जादू? क्यों डायरेक्टर अली अब्बास जफर करते हैं बिग बजट फिल्में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। जी हाँ, हमारी ऑडियंस भी यही कह रही है कि वो आज भी मिस्टर इंडिया से उतना ही प्यार करती है। यही तो होता है उस फिल्म का सक्सेस। पर आपको एक बात बताएं, इस फिल्म को कॉपी तो नहीं पर इससे भी तगड़ी कहानी लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जो खुद इस फिल्म के प्यार में हैं और इसे अपने अंदाज में पेश करना चाहते हैं। अली एक वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं और इन दिनों उन्हें एक्शन और सुपर हीरोज का तेज बुखार चढ़ा हुआ है। जी स्टूडियोज के साथ मिलकर सीक्वल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस फिल्म से रणवीर सिंह, शाहरुख खान और जानवी कपूर का नाम जोड़ा जा रहा है और शायद ही अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। पर फिल्म की स्टार कास्ट तगड़ी होने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे का रियल मास्टरमाइंड फिल्म का डायरेक्टर ही होता है। और ये डायरेक्टर तो सबसे अलग है, जो बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ने वाले हैं सुपर हीरोज फिल्म बनाकर। एक इंटरव्यू के दौरान अली ने कहा था कि उन्हें मार्वल स्टूडियोज और डीसी स्टूडियोज की तरह एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करनी है जो सुपर हीरोज पर फिल्में बनाए। मार्वल और डीसी अमेरिकन कंपनी है जो सुपर हीरोज का आविष्कार करती है, और यही इरादा लेकर अली भी मिस्टर इंडिया 2 और उसके साथ साथ सुपर सोल्जर जैसी सुपर पावर बेस्ड फिल्में बनाने वाले हैं। मतलब कि अब इंडियन सुपर हीरोज की शुरुआत होने वाली है जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे सके। मिस्टर इंडिया 2 भी इस तरह से बनाई जाएगी जो बड़ों की तरह बच्चों को भी पसंद आए, क्योंकि उन्हें मैजिक काफी पसंद है और सुपर हीरोज जो दुनिया के दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। इसीलिए ओरिजिनल फिल्म से भी बढ़िया जादू इस फिल्म में देखने को मिलेगा और सारी चीजें ओरिजिनल होंगी। इस फिल्म का बजट भी काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि साईफाई फिल्में कोई शूट करते वक्त टेक्निकल टीम, विजुअल्स, कैरेक्टर एडवांसमेंट के लिए ज्यादा खर्चा होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि अली ज्यादातर बिग बजट फिल्में करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में उसी जॉनर की होती हैं। ऊपर से शूटिंग भी इंडिया के बाहर होती है और स्टार कास्ट भी तगड़ी होती है, इसलिए अगर सब कुछ उनके हिसाब से हो तो वो हाँ कहते हैं। फिल्म सुपर हिट होने के बाद उन्हें उसी जॉनर की और बिग बैनर के ऑफर मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद आपको भी लग रहा है ना कि अब बॉलीवुड के दिन बदलने वाले हैं और सुपर हीरोज की लाइन लगने वाली है। आप भी एक्साइटेड हैं नया पावर देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।